तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था मेडिसिन की परिभाषा, तो मेडिसिन की परिभाषा के अंदर क्या बताया था, मेडिसिन किसको बोलते हैं, किसी भी रोग की पहचान करनी है, उसका कारण क्या है, मतलब ठीक है, उसका कारण क्या क्या है, उसकी पहचान, उस बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या चेंज दिखता है व्यवहार में, शरीर के अंदर, खाने पीने के अंदर क्या चेंज दिखता है उसका, ठीक है, उसके बाद उसका उपचार, ठीक है, उसके बचाव के अध्ययन। तो मेडिसिन की परिभाषा क्या थी, ठीक है, अभी आपके पास क्या है, वेटरनरी। तो वेटरनरी किसके पढ़ेंगे अपन, पशु के बारे में, किसके बारे में, पशु के अंदर में, मेडिसिन होती है तो ह्यूमन का पढ़ते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या है इसकी, कि पशु रोग के कारण, कारण इंग्लिश में बोलते हैं इटियोलॉजी, इटियोलॉजी, ठीक है, मतलब कारण, किस कारण की बीमारी हुई, वो उसके लक्षण हैं, बीमारी में क्या क्या अपन को दिखता है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, वो घबरा रहा है, कि उसको पसीने आ रहे हैं, कि वो हाँफ रहा है, कि ठीक है ना, तो क्या लक्षण दिखते हैं उसके अंदर, यानी क्या व्यवहार में चेंज आता है, चलने फिरने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, खाना पीना कैसा खा रहा है, नहीं खा रहा है, लक्षण क्या दिखते हैं, तो लक्षण, उसके बाद उस रोग की पहचान, हमको पहचाना है कि ये वही बीमारी है, या ऐसे किस बीमारी में ऐसे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, या व्यवहार में चेंज आता है, तो रोग की पहचान करनी है, ठीक है। रोग की सही पहचान हो गई तो फिर हम उसका उपचार दे सकते हैं, ठीक है, रोग की पहचान के, इसको ये बीमारी थी, इसको क्या करना है, उपचार, एकदम सफल उसका इलाज करना है, उसको दवाई वगैरह देकर ठीक देना है, फिर उसके बचाव का अध्ययन, आगे ये रोग नहीं हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा खाना पीना, रहना, टीकाकरण वगैरह, ठीक है। तो टीकाकरण है, यानी रोग होने से पहले ही रोग के बचाव के लिए जो जो अपन करते हैं, वो किसके अंदर आता है, प्रिवेंशन के अंदर, किसके अंदर, प्रिवेंशन के अंदर, इलाज एवं बचाव का अध्ययन, बचाव के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बचाव को प्रिवेंशन, क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये हो गई, तो अब जैसे मेडिसिन की लास्ट क्लास के बाद अपन इस क्लास में ये पढ़ते हैं कि मेडिसिन कितने प्रकार की हो सकती है, तो ऐसे तो बहुत सारे प्रकार की मेडिसिन, नॉर्मल पशु मेडिसिन नहीं, नॉर्मल जो मेडिसिन ह्यूमन वाली, वो कितने प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, जैसे आयुर्वेदिक थी पहले, यूनानी थी, होम्योपैथिक थी, एक्वापंचर थी, एक आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन, एक फॉरेंसिक जो अपराध वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार की होती है मेडिसिन, जैसे मिलेगा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, क्लिनिकल प्रिवेंटिव मेडिसिन, एक्वापंचर मेडिसिन, यूनानी, फॉरेंसिक वगैरह, बहुत सारे मेडिसिन के प्रकार है, ठीक है। पर अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, अपने लिए दो है, एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन, दूसरा है क्लिनिकल मेडिसिन। क्योंकि पशु में, पशु मेडिसिन के कितने प्रकार है केवल, या कितनी शाखा है, दो, तो लिख दिया वेटरनरी मेडिसिन या पशु मेडिसिन के कितनी शाखा है, दो शाखा है, एक तो क्लिनिकल मेडिसिन, दूसरा प्रिवेंटिव मेडिसिन। अब ये बहुत सारी पद्धतियां चलती है ना, बहुत सारे प्रकार की होती है, या बहुत सारी की पद्धतियां मेडिसिन, उसमें से अपनी वेटरनरी मेडिसिन या मेडिसिन की जो चिकित्सा विज्ञान वर्तमान में जो कौन सी पद्धति चल रही है, वो एलोपैथी, कौन सी है, एलोपैथी। तो पूछ ले क्वेश्चन कहीं कि वर्तमान में चिकित्सा की, या पशु चिकित्सा की, या पशु मेडिसिन की कौन सी पद्धति चल रही है, ठीक है ना, या कौन सी शाखा चल रही है, तो वो कौन सी है, एलोपैथी। तो ये दोनों किसके ऊपर है, एलोपैथी के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में चिकित्सा की या मेडिसिन की कौन सी पद्धति चल रही है, या कौन सा प्रकार चल रहा है, तो एलोपैथिक चल रहा है, ठीक है। तो बता दिया कि मेडिसिन कई प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन वेटरनरी या पशु के अंदर केवल दो प्रकार की होती है, एक तो क्लिनिकल और एक प्रिवेंटिव, इनकी बाद में करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं कि फादर किस मेडिसिन के जनक कौन है, या फिर एनाटोमी के जनक कौन है, फिजियोलॉजी के जनक कौन है, ठीक है। तो अगर आ जाए कि फादर ऑफ मेडिसिन, केवल मेडिसिन पशु की नहीं, सिर्फ मेडिसिन का है, तो हिप्पोक्रेट्स, क्या नाम है, हिप्पोक्रेट्स। तो मेडिसिन के जनक किसे कहते हैं, या फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को। अगर अब पूछ ले वेटरनरी का, या पशु विभाग का, यानी पशु की मेडिसिन के जनक कौन है, ठीक है, या वेटरनरी जो मेडिसिन है उसके फादर कौन है, तो उनके फादर कौन से हो गए, रेनेटस वेजिटस, कौन से हो गए, रेनेटस और वेजिटस, ये कौन से हो गए, वेटरनरी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वेटरनरी अपनी मेडिसिन है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है, दो, एक का नाम है क्लिनिकल, दूसरा होता है प्रिवेंटिव। अब ये क्या होती है, इनके बारे में बात की, क्लिनिकल, इसको हिंदी बोलते हैं नैदानिक, निदान करने के बाद, यानी जांच करने के बाद, निदान का मतलब क्या, डायग्नोसिस आ गया, ये डायग्नोसिस, यानी सही पहचान, डायग्नोसिस को निदान बोल सकते हैं। तो नैदानिक यानी रोग की पहचान के बाद हम क्या क्या उसका उपचार कर सकते हैं, और ये निवारक, निवारक का मतलब क्या हो गया, पहले ही निवारण करना है, बीमारी होने से पहले उसका बचाव। तो इसके अंदर तो क्या करेंगे अपन, कि रोग होने से पहले ही, रोग नहीं हो उसके लिए जो टीकाकरण करते हैं, रख रखाव करते हैं, खाना पीना करते हैं, ठीक है, उस सब इसमें आते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन में या निवारक में, और रोग होने के बाद या रोग हो गया है उसके बाद उसकी पहचान करके जो उपचार करते हैं, वो किसमें आते हैं, क्लिनिकल में, ठीक है। तो जो भी असंक्रामक रोग है, ठीक है, अब कहाँ से, जो भी असंक्रामक, कौन से असंक्रामक,
संक्रमण का मतलब क्या हो, असंक्रमक, असंक्रमक का मतलब ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते हैं, मतलब एक पशु दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अगर ये कोई बीमारी है या बीमारी अगर इस पशु को है तो ये इसमें फैलेंगे नहीं, इसमें नहीं फैलेगी, इस पशु दूसरे पशुओं को नहीं होगी, ठीक है। जैसे पेट दर्द, आफरा, ठीक है, होता है ना, आते फट गई है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो जो कब्जी वगैरह है वो सिर्फ मेरे को, ये दूसरों को नहीं होगी। तो ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में नहीं होते हैं, जैसे कौन सा, पेट दर्द हो गया ना, और क्या बोलते हैं, आफरा हो गया, कब्जी हो गई, ठीक है, अपच हो गई, तो ऐसे सारे रोग हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन किसमें करते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन, किसमें, क्लिनिकल मेडिसिन। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, असंक्रामक रोग के उपचार का अध्ययन, इसके अंदर किसका उपचार करते हैं या किसका अध्ययन किया जाता है, असंक्रामक रोग जो रोग एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते, या फिर क्या बोल सकते हैं, अपने शरीर के जो तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नर्वस तंत्र, जो भी या तंत्रिका तंत्र, तो जो पाचन से संबंधित बीमारियां हैं, कब्जी, पेट दर्द, ठीक है, आंतों का फटना वगैरह, ऐसे तो ऐसे रोग एक पशु दूसरे पशु में नहीं फैलते, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग। तो एक ही चीज है, या तो असंक्रामक रोगों का अध्ययन करते हैं या उनका उपचार करते हैं, या फिर दूसरी चीज क्या, जो अपने शरीर के जो तंत्र है, जो सिस्टम है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, किडनी वगैरह जो भी, तो उन तंत्रों से संबंधित इसका अध्ययन करते हैं, करते हैं क्लिनिकल मेडिसिन, किसमें, क्लिनिकल। तो इसमें क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, एक तो असंक्रामक रोग, या फिर शरीर पर जो तंत्र है अपने, उन तंत्रों के जो रोग का अध्ययन किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, वो किसमें, क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें किसका करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन, संक्रामक रोग, इसका संक्रामक रोग, ठीक है। अब संक्रामक रोग क्या होता है, ठीक है, जैसे ये असंक्रमण था, उसी प्रकार संक्रामक, संक्रमण का मतलब ही होता है जीवाणु विषाणु वायरस का हमला या अटैक, जीवाणु विषाणु सूक्ष्म जीवी कोई भी हो, उसकी उपस्थिति होती है, उसके कारण कोई भी बीमारी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण या इन्फेक्शन, ठीक है। तो ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, जो जीवाणु विषाणु परजीवियों के रोग है वो, ठीक है, क्यों, एक से दूसरे में वही फैलेंगे, तो ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, ठीक है, उनके बोलते हैं संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोगों का अध्ययन, जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, बताओ ये रोग नहीं हो, उस रोग होने से पहले ही जो टीकाकरण करते हैं, ठीक है, या जो बचाव के उपाय देखते हैं, कि जैसे कौन से मौसम में कौन सा टीका लगाना है, गर्मी में कौन सा लगाना है, सर्दी में कौन सा लगाना है, या खाना कब कितनी मात्रा में देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है ना, घर कैसा बनाना है, उसको रखना कहाँ पे है, कैसे, जो सारी सुविधाएं करते हैं अपन रोकथाम की, ठीक है, वो सब किसमें करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, संक्रामक रोग होने से पहले उसके बचाव का अध्ययन, किसमें करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन या निवारक मेडिसिन में। तो वापस फटाफट सुन लो कि मेडिसिन का मतलब क्या होता है, किसी रोग के कारण लक्षण, ठीक है, उसका इलाज वगैरह, उसका अध्ययन करते हैं। कितने प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है, किंतु वेटरनरी मेडिसिन कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, पहले क्लिनिक, दूसरी प्रिवेंटिव, ठीक है। अब जो क्लिनिकल मेडिसिन है, उसके अंदर क्या करते हैं, जो असंक्रामक रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलते हैं, जैसे पेट दर्द, कब्जी, या फिर अपने जो शरीर के जो तंत्र है उससे संबंधित जो भी रोग है, उनका अध्ययन या उनका उपचार किसमें करते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन में। प्रिवेंटिव मेडिसिन में क्या करते हैं, या फिर निवारक मेडिसिन में क्या करते हैं, इसमें क्या करता है कि ऐसे रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, जो संक्रामक रोग है, ठीक है, वो हो जाए, ठीक है, या फिर जो सूक्ष्म जीवियों से होने वाला रोग है, विषाणु वायरस, ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया जो है ना ये, या अन्य परजीवी या प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोड, नेमेटोसिस्ट जो भी हैं, उनसे जो होने वाले रोग जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं, उनका अध्ययन, और उन ये रोग नहीं हो, ये रोग होने से पहले उसके बचाव करते हैं, ठीक है, जैसे टीकाकरण वगैरह, उन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन में, ठीक है। अब अपन जैसे इसकी परिभाषा थी, रोग वगैरह क्या होता है, इंट्रोड्यूस क्या होती है, अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रोग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, इलाज क्या होता है, ठीक है, या प्रिवेंशन क्या होता है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।